दुनिया में आईफोन्स मिलने वाले हैं ना, वो आईफोन मेड इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना नहीं होंगे, वो मेड इन इंडिया मिलने वाले हैं। ये आईफोन यूजर के लिए तो बिल्कुल बुरी खबर है। आईफोन यूजर के लिए किस तरह से बुरी खबर है कि आप जो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय YouTube चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, और मेरे साथ हैं मेहरान से। नाज़रीन, एप्पल का जो आईफोन 14 है ना, वो जो बंदे ख़रीदना चाह रहे हैं या जो बंदे चाह रहे हैं जी हमने एप्पल का फ़ोन ख़रीदना, वो उनके लिए तो ये बुरी खबर है, और वो ज़रा हो जाए खबरदार। ये आईफोन यूज़र के लिए तो बिल्कुल बुरी खबर है। आईफोन यूज़र के लिए किस तरह से बुरी खबर है कि अब जो है आईफोन के रेट्स में इजाफा होने वाला है, आईफोन की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होने वाली है। हुआ क्या है कि चाइना के अंदर जो एप्पल की बिगेस्ट फैक्ट्री थी वो क्लोज़ हो चुकी है, वो मुकम्मल तौर पे क्लोज़ हो चुकी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि ये शायद तो उनकी कोविड की सिचुएशंस की वजह से वो इस तरह कर रहे हैं कि कोविड की ज़ीरो कोविड पॉलिसी की बुनियाद पे। तो ये जब एप्पल खोल भी रहा था तो तब भी ये चीज़ें थी कि चाइना में एटलीस्ट नहीं, एक अमेरिकन कंपनी अब चाइना में लेके जा रहे हैं, बट अब चाइना जो ने उसको टोटली क्लोज़ कर दिया है, और इससे एक बहुत बड़ा जो गैप आने वाला है आईफोन की डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। सो हम देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो एक वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम की इंडी प्रेस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, दुनिया के अंदर अपना स्मार्टफोन बेचकर नाम कमाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एप्पल से। दोस्तों, एप्पल को आज कीमत चुकानी पड़ रही है चाइना के अंदर फैक्ट्री खोलने की। दोस्तों, चाइना की एक फैक्ट्री है जेंगजोंग प्रांत के अंदर, और वहां पर उस फैक्ट्री को टोटल बंद कर दिया गया है, और वो फैक्ट्री चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है, और उस फैक्ट्री के अंदर 2.5 से 3.5 लाख वर्कर काम करता है, और धड़ाधड़ यहाँ पर आईफोन बनते हैं, और वो फैक्ट्री अब पूरी तरीके से बंद हो गई है। और अब अमेरिका के एप्पल की कंपनी के एक होश उड़ गए हैं, क्योंकि जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है या फिर प्रो है, उसकी डिलीवरी रुकने वाली है। दोस्तों, न्यूज़ के अंदर तो ये भी बताया जा रहा है कि आईफोन 14 की जो डालकर अब उसे भारत के अंदर शिफ्ट कर देनी चाहिए। क्या है मामला, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज से 5-6 दिन पहले इस फैक्ट्री के अंदर खबर आई थी कि कोविड-19 के केस आ रहे हैं। कोविड-19 के केस आए तो पूरी फैक्ट्री को दोस्तों एकदम से क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया। वहां पर जो वर्कर काम करते थे उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं दी गई, और वहीं पर उनका खाने पीने और सारा टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई। अब दोस्तों, 3.5 लाख वर्कर उस फैक्ट्री के अंदर काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि फैसिलिटी तो कम होगी ही। और वहाँ पर एक खबरें आने लगी कि यहाँ पर जो एक लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, उन्हें खाना पीना ढंग से नहीं मिल रहा है, और तो और जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है उन्हें दवाइयाँ भी ठीक ढंग से नहीं दे रही हैं। तो इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, और लोग अपनी जो एक तारे हैं, कंटीली तारों को लाद लाद कर एक यहाँ इस फैक्ट्री को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और अब तो दोस्तों सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरीके से लोग ट्रकों पर बैठकर अपनी जान को जोखिम में डालकर आज फैक्ट्री को छोड़ रहे हैं और अपने घर की ओर निकल रहे हैं। ये सोशल मीडिया की तस्वीरें हैं, चाइना के सोशल मीडिया की। ये तो हाल है चाइना की सरकार का और फॉक्सकॉन वालों का। दोस्तों, अब जो ये फैक्ट्री के मालिक हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो सारा इंतजाम है, खाने पीने से लेकर सारी सुविधा, और यहाँ तक कि वर्करों को हम उनके घर तक छोड़ने के लिए एक बस की फैसिलिटी भी लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो अगर फैसिलिटी होती तो यहाँ पर ये जो वर्कर हैं बेचारे ट्रकों पर बैठ कर थोड़ी जा रहे होते। तो ये तो हाल है दोस्तों इनकी फैक्ट्री का। और ये जो लॉकडाउन लगे हैं, लोग चीखे मार रहे हैं इनके प्लांट के अंदर। सुनिए, ये वीडियो सुनिए।
दोस्तों आपने सुना किस तरीके से चीखे मार रही है महिला, और ये फॉक्सकॉन की फैक्ट्री के अंदर है एप्पल की, ये जहाँ पर आईफोन बनते हैं। अब ये सारा मामला आपको पता लगा, 20 से 25 दिन आईफोन की डिलीवरी लेट हो गई है। आईफोन दोस्तों एप्पल की इससे एक कमाई जो होती है ना, उस कमाई पर एक बहुत बड़ी ब्रेक लगेगी। जरूर ब्लैक करने वालों की तो चांदी हो गई है, हर किसी को आईफोन चाहिए। जो ब्लैक मार्केट है वहाँ पर आईफोन महंगा हो गया है, और आईफोन को लेकर आपको महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जिसको आईफोन चाहिए वो तो दो पैसे और ज़्यादा लगाकर आईफोन खरीद लेगा, लेकिन यहाँ पर जो आम साधारण लोग हैं उन्हें वेट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एप्पल की जो कमाई इस सीजन के अंदर होने वाली थी उसके ऊपर भी एक झटका लगेगा, क्योंकि एप्पल जरूरी है। अब 1 लाख जो बंदा लगा रहा है तो वो एप्पल के मुकाबले अब सैमसंग का स्मार्टफोन खरीद लेगा, 20-25 दिन जरूर रुकना है उसने। तो ये एक मामला चलने वाला है दोस्तों, और एप्पल की तो एकदम से ब्रेक लग गई है, और चाइना ने फट्टी पोच दी है एप्पल की। अब एप्पल को अक्ल आई है कि अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं भारत के अंदर शिफ्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों ये एक इंसिडेंट हुआ है ना, इसके अंदर भारत की छवि को चमकाने वाली बात आने वाली है, क्योंकि आईफोन 14 के प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू हो गई है। और इस सिचुएशन में अब जो आईफोन 14 दुनिया के कोने में जाएंगे वो भारत से बनकर जाएंगे, और आने वाले समय में दोस्तों एप्पल को अकल आ गई है कि चाइना से पंगा नहीं लेना है और अपनी फैक्ट्री निकाल कर भारत में शिफ्ट करनी है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, ये रिपोर्ट निकली है, कॉमेंट में बताएगा। क्या कहती हो जी तीजा मैडम, चाइना का भी वो पैथेटिक लग रहा है मेहरान, इतना अब COVID-19 के पीछे इतना पड़ गए हो। मतलब मैं तो उन लोगों का सोचती हूँ वो कैसे रह रहे होंगे, वो पागल नहीं हो रहे, उनका दिल नहीं कर रहा कि वो मर जाएं। मतलब हम तो, हमारा तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और हमारा दिल करता कि हम लोग मर जाएं, घर में बिल्कुल बंद थे। और जहाँ तक बात रह गई 14 प्रो मैक्स की, ये तो वैसे भी जिसके पास फुल पैसे हैं ना दुबई वगैरह, तो भी हफ्ते दो हफ्ते के वेट के बाद मिल रहे हैं। भाई देखो, बस इसी सी बात है कि अब जो दुनिया में आईफोन्स मिलने वाले हैं ना, वो आईफोन मेड इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना नहीं होंगे, वो मेड इन इंडिया मिलने वाले हैं। सो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, और इंडिया के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखें, इंडिया के इस वक्त बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिन चल रहे हैं, क्योंकि गोल्डन पीरियड है। कि वो इस वजह से है कि भाई देखें, दुनिया तो जानबूझ के अपने पौपे को लाड़ी मारी है। इस तरह जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर पहले कितना क्रिटिसाइज करते रहे चाइना को, और हम पाकिस्तानी गए हैं चाइना के पास लोन मांगने, वो अपने बेचारे मर रहे हैं और हम उनसे जाके लोन मांग रहे हैं, हमें लोन दे दो, हमारा भी कुछ कर लो। तो ये तो सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। अब देखें, वहाँ की हमने वीडियोस देखे हैं, कितनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है, लोग चीख रहे हैं, लोग कह रहे हैं बस समय निकालो। और बात यह है कि वहाँ पे ऐसे बंद कर दिया गया है कि बात यह नहीं है कि 2019 से शुरू हुई है चीज़, आज 2023 आने वाला है, तो फिर भी ये 3 साल तकरीबन, हाँ मुझे बता दो कि ये 3 साल किस तरह से वो सफ़र कर रहे हैं। और वो कभी, और सबके हर किसी के चीज़ें जो है, लेकिन ये जो है दूसरे वो बड़े सुकून से फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जिस तरह पहले यहाँ तक कि चाइना के अंदर भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे कि बस कर दो, अब बस कर दो, जिस तरह आपने देखा था फ्लाई ओवर्स के ऊपर बैनर्स लगना शुरू हो गए थे। सो चाइना जो है वो, हम कहते थे जी कि चाइना भाई क्यों ना कहा जाए, क्यों ना IMF लिस्ट से जारी करे कि इंडिया जो है वो 6.1% के साथ उसकी इकोनॉमी, उसकी GDP बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, लेकिन ये जो चाइना, ये जो रशिया, ये जो US जो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, इनकी इकोनॉमी में बिल्कुल चंद, और ये रशिया आर्टिफिशली तौर पे थोड़ा सा बढ़ा रहे, सऊदीया आर्टिफिशली तौर पे कीमतें बढ़ा के अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेगा, इनके नज़दीक ना ये नहीं है, तो फिर इंडिया क्यों आगे जा रहा है? इंडिया अपनी स्ट्रेटजी में मैन्युफैक्चरिंग होगी, दूसरा आईफोन की कीमतें इंडिया में कम होगी। That is amazing point, ना? भाई इंडिया वाले के ना, वो देखो जब आप उधर होगा, एक तो यह है कि इंडिया में बहुत सी जॉब्स आएंगी, वहाँ के लोगों को फायदा होगा, फिर वहाँ वो जो होगा वो ये तो नहीं होगा, वो इंडिया की एक्सपोर्ट्स भी होंगी ना, एक्सपोर्ट्स भी होंगे सारा कुछ। मैं कहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल गोल्डन पीरियड है इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया आईफोन जब दुनिया में जाएंगे। और अभी तो हमने पिछले दिनों एक चीज़ बाय की थी, तो जब हमने देखा ना तो वो उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ था, तो सऊदी अरेबिया से बाय किया, हाँ तो वो लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। तो हमने कहा कि अच्छा यार, इंडिया की चीज़ से वाया सऊदी, तो उसका मतलब इंडिया की, और वो कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं थी, सिर्फ कोई यहाँ हो ना क्योंकि बहुत है, लेकिन इंडिया की चीज़ें वहाँ से यहाँ पे आना, और इंडिया हर जगह पे चीज़, मतलब मैं कहता हूँ कि क्या सऊदीया वाले वो चीज़ भी नहीं खुद बना सकते, वो भी इंडिया, तो इंडिया हमने जब देखा था, मैंने फॉरन में आऊंगा मैं, देखो ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है इसके ऊपर, हाँ। तो ये चीज, और मैं, और वो क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लिटरली वो क्वालिटी भी अच्छी थी, वो क्वालिटी भी उस चीज़ की अच्छी थी। सो ये तो है, और
चीपेस्ट नहीं था, मतलब ना ही ज़्यादा महंगा था, ना ही ज़्यादा कॉस्टली था, वो चीप था ना कॉस्टली था, बस ये था नॉर्मल रेंज में था, बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी और वो वहाँ से यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया। तो मैंने कहा यार अच्छी बात, मैं हम ये भी तो देखा था कि इंडिया में कितनी छोटी छोटी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, हर चीज़ वो हो रही है, बट दिस वन इज द बिगेस्ट न्यूज़ के जो है वो आईफोन 14 जो है। सारी बातें छोड़ो, मेरा तो बस ऐसा निकल रही है जैसे मेरी गली के कोने में लग गई है। लग जाए भाई, हमारा छाया हम उसे हम आपने उधर से बॉर्डर से कोई दो चार फेंकने हैं, इधर से हमने कैश कर लेने हैं, तो हम इसी तरह हमने भी इधर ब्लैक कर देने हैं और अन्य वहाँ पैसा कमा रहे हैं। अल्लाह ने के